उत्तराखंड में मिशन 2022 का आगाज बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली के जरिए श्रीनगर गढ़वाल से कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत के साथ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी समेत अन्य बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शामिल रहे, जिसके बाद प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4.5 सालों में राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर वासियों को बस अड्डे के पास पार्किंग के साथ 100 LPM के 2 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा भी की है। ये नगर पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाए, उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा, और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्या, पानी की समस्याओं के लिए भी निदान किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में है, जो भी हमने घोषणाएं की हैं, जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी, उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। पहली बार देखिए पहाड़ के अंदर इतना बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में रेल बनाने का हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है। जो काम हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम उनको भी रोक दें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।